अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स, एक खातून पर कातिलाना हमला, अटेम्प्ट टू मर्डर। उमर होटल के पास एक खातून खड़ी हुई थी, टू व्हीलर पर एक हबीब ने खातून पर तेज़ हथियारों से हमला करके ज़ख्मी कर दिया। बताया जा रहा है हबीब कोई एक पार्टी का लीडर है। ज़ख्मी खातून को हॉस्पिटल मुंतकल कर दिया गया। कंचनबाग पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आइए नाज़रीन देखें इसकी तफसीली रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सबरीन है, मेरे मम्मी का नाम नूर बानो है। ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था, वो मम्मी को कितने के दिन से तंग कर रहा था, बहुत हरासमेंट कर रहा था, जान जाने में स्टॉक कर रहा था। एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में और दूसरी जगह भी, तीन बार कंप्लेंट दिए कि तीन बार भी केस फाइल करें, मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वहाँ पे। यहाँ हमारे मोहल्ले के जो भी थे लोग, बड़े लोगों को भी बोले पर फिर भी नहीं सुने लोग, कुछ भी ना हुआ। मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे, फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। चचेरे भाई उन लोग हमें कुछ कर रहे थे, उन लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस फाइल हो गया, उन लोग को जेल में डालने वाले थे। ऐसा हुआ ये सब। आपके मम्मी की उम्र क्या रहती थी? 45 है। कितने बहना भाई हैं आप लोग? हम लोग चार बहना दो भाइया हैं। इससे पहले कभी शिकायत करे आप लोग पुलिस स्टेशन में? तीन बार करे जाके। ऐसा क्या रिस्पांस मिला पुलिस? कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। जब का जब लेके गए फिर छोड़ दिए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, केबल ऑपरेटर थे उन्होंने। वन ईयर से चल रहा, कितने की बार बोले भी, मोहल्ले वाले भी रोकने की कोशिश करे पर कुछ भी रुक रहा ही नहीं था। कंप्लेंट करने पे पुलिस वाले नहीं सुने, और उन्हें एक बार जाके कंप्लेंट करा। मम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस है, पूरा सर वही खुल गया, हाथ वही टूट गया, पूरा सत्तूर से मारे गए थे। पूरा नाम शेख हबीब नाम है उसको, शेख नसीरुद्दीन के नाम से जानते हो। उन्हें क्या करते काम? नहीं मालूम, बेकार फिरता गया, वहाँ औरतों के पीछे रहता। आपके वाला का नाम क्या है? नूर बानू। मस्जिद साले के पास घर में शादी शुदा है? नहीं 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 है। उन्होंने मैरिड है? हाँ। उनकी एज क्या रहती? 48-50 होंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद एजाज मेदी है, मैं हाफिज़ बाबा नगर फ्रेंड्स केबल नेटवर्क का केबल ऑपरेटर हूँ। मेरे भाई भी केबल ऑपरेटर थे फ्रेंड्स केबल नेटवर्क के, और उनकी अहलिया जो है मेरी भावज है, उनका आज मर्डर हो गया उमर रोड के सामने। जो एक शख्स है उसका नाम है हबीब के नाम से पहचानते हैं उसको, उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है, हाफिज़ बाबा नगर में रहता, आवारा फिरते रहता इधर उधर। कई दिन से उनको हरासमेंट कर रहा था, उन्होंने कई बार हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, कोई एक्शन नहीं हुआ। और हम लोग के ऊपर परसों उन्हें केस बुक कराया, झूठा बुक कराने के बाद में हम लोग को लेके जाके करता। तो जी मेरा नाम सैयद एजाज मेदी है, मैं बाबा नगर केबल ऑपरेटर हूँ। मैं कई दिन से हम लोग एक शख्स के कंप्लेंट लिखा रहे थे जिसका नाम है शेख हबीब के नाम से पहचानते हैं, उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है आईडी के ऊपर। कई बार कंप्लेंट करा रहे हम लोग, कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर पुलिस वाले। अगर हम लोग लिखा के करके बात करने के बाद में भी हो गया जाओ बोल के भेजते चले गए हम लोग को। बात की कंप्लेंट करा रहे हैं आप? जी साहब, खाली बिली हरासमेंट कर रहा हूँ, हमारी भावज को हरासमेंट कर रहा था, जिसका नाम नूर बानो है, जो आज उनका मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। जो इसके लिए अभी सी हॉस्पिटल में है, सीरियस है। कितने दिन से चल रहा है ये? साल डेढ़ साल से चल रहा है। क्या वजह हो सकती है? नहीं पता हमको। हरासमेंट की वजह से कर रहा है? वजह हरासमेंट कर रहा, जबरदस्ती का हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा है, नहीं मालूम कि वो विंडो है, बेवा है। हाँ, उन्होंने तो बेवा है सर, बेवा है, दामादा वाले उन्होंने, खाली पीली के हरासमेंट कर रहा उनके पीछे फिर रहा, उनको बोले तो रोके। बाबा नगर में रहता मस्जिद साले इनके पास, नहीं वो कोई लीडरों के साथ रहता क्या टी आर एस के, हमको नहीं मालूम, सुनने में आया सके कोई टी आर एस के लीडरों के साथ रहता हूँ बोल के मालूम हुआ। आप इससे पहले भी आप कंप्लेंट दे, कोई पुलिस एक्शन? नहीं नहीं कोई एक्शन नहीं, हम लोग कंप्लेंट लिख दिए, बुक हो गया बोले भिजा दे रहे, बस हम लोग लिख दिए कर दिए। नहीं कल लेके जाते, 10 मिनट में छोड़ देते। अभी इस वक्त पकड़े थे कुछ? पकड़े नहीं मालूम, अभी कुछ नाम अभी मालूम नहीं, पकड़े गया नहीं गया अभी कुछ नहीं मालूम, कहाँ है इस वक्त नहीं मालूम। आप कौन हो? मैं किसको? लेडीज़ का कौन हो? मैं देवर हूँ। देवर जी। आपको पता नहीं है कि ये वजह क्या हो सकती है? नहीं नहीं मालूम। जब आपको सता रहा जो बोल रहे हैं आप, क्या जी कुछ हरासमेंट ऐसे सुनने में आया, हरासमेंट कर रहा है पीछे जा रहा, जैसा कि बोलते ना कुछ ऐसा, शादी थी तो नहीं हुई उसकी, ऐसा कुछ ऐसा हरासमेंट कर रहा, जैसा कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है जैसा जैसा कैसे उनको पीछे पड़ा होगा, हो सकता है ऐसा कुछ दिख रहा मेरे को।